Hello students, so we have already gone through the concept of chapter number 23, essay writing, and its four types. So let's get started with the guidelines of it. Let us take a look at a few guidelines to be followed while writing an essay. First, decide on the type of essay that can be written on a given topic. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सब कुछ डिसाइड कर लेना है टॉपिक पे कि ऐसे में हम लोग मेंशन क्या करने वाले हैं. ओके, सेकंड वन, प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ द एसे बिफोर यू बिगिन टू राइट. हमको स्टार्ट करने से पहले एक आउटलाइन प्रिपेयर करनी है एसे की, कि हम लोग लिखने क्या वाले हैं. शॉर्ट पॉइंट्स, सब पॉइंट्स बना के रखने हैं. दैट वी नीड टू इंक्लूड दिस थिंग्स. ओके, फॉर दिस क्रिएट अ माइंड मैप टू ऑर्गेनाइज योर थाट्स. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक माइंड मैप और पॉइंट्स बना के रखने हैं हमको कि इस टॉपिक को हमको इंक्लूड करना है ऐसे में. राइट योर टॉपिक इन द मिडल ऑफ द पेज. अब जो टॉपिक दिया गया है हमको वो एग्जैक्ट मिडल ऑफ द पेज में लिख देना है हमको. ड्रॉ अ फ्यू लाइन्स ब्रांचिंग आउट from the topic and write down the main ideas you would like to cover in the essay. अभी essay में जो हम लोग main lines cover करने का सोच रहे हैं, main ideas cover करने के लिए सोच रहे हैं, उसको हम लोग को लिख देना है lines बना के. Doing this will help you develop connections within the essay and also ensures that the essay is organized and coherent. अभी जो ऐसे है वो ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको ये पॉइंट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम लोग पॉइंट्स बनाएंगे तभी ऐसे डेवलप होता जाएगा. तो जो पॉइंट्स बनाए हैं वो हमको हेल्प करेंगे कनेक्शन बनाने के लिए. इट विल हेल्प अस टू डेवलप कनेक्शन विद इन द ऐसे. ओके, एंड इट विल एज वेल इंश्योर्स दैट इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट. लॉजिकल है और ऑर्गेनाइज्ड है ये भी हमको पता चल जाएगा उसके साथ, एंड इंश्योर भी करेगा वो. अभी नेक्स्टली हमको क्या बोला है, अरेंज ऑल द आइडियाज टू मेक श्योर दे फ्लो लॉजिकली फ्रॉम वन पॉइंट टू नेक्स्ट. अभी हमको पूरे आइडियाज़ को स्टार्टिंग में इस तरह से अरेंज करके रखना है जैसे वो हमको लॉजिकली हमको फ्लो करा सके. इट विल बी फ्लोइंग इन अ लॉजिकल मैनर. एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कनेक्ट करना चाहिए. इस वे में हमको उन पॉइंट्स को अरेंज करना है, आइडियाज़ को अरेंज करना है. स्टार्ट द इंट्रोडक्शन विथ एन इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट अबाउट द टॉपिक. अभी जो हम लोग इंट्रोडक्शन लिख रहे थे, इंट्रोडक्शन को हमको कैसे स्टार्ट करना है, उसको इस तरह से स्टार्ट करना है जैसे हमको ऐसे इंटरेस्टिंग लगे, जो पढ़ने वाला है उसको ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लगे. ऐसा स्टेटमेंट हमको मेंशन करना है टॉपिक के अंदर इंट्रोडक्शन में. डू नॉट यूज़ द सेम एक्सप्रेशंस इन द इंट्रोडक्शन एज वेल एज द कंक्लूजन. अभी जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख रहे थे उसमें हम लोग कभी भी सेम एक्सप्रेशंस यूज़ नहीं करेंगे. जो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं उसको हम लोग फिर से यूज़ नहीं करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गाइडलाइंस ऑफ इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टाइप्स ऑफ एसे. सो फर्स्ट टाइप इज नरेटिव. लेट अस लर्न अबाउट नरेटिव एसेज. अ नरेटिव एसे इज अ text written about events, instructions and experiences of the narrator. अभी narrative essay में क्या होगा, वो text है सिर्फ जो क्या बताता है हमको. It is written about events, instructions, experiences of author और narrator. जो narrate कर रहा है essay को उसके बारे में ही होगा, जो उसने experience किया है, जो उसने इंस्ट्रक्शंस दी है, या तो वो जो इवेंट्स बता रहा है. इट विल बी एक्सप्रेशन ऑफ एन नरेटिव. इट ऑलवेज कंटेन्स अ विविड प्लॉट एंड कैन बी ईजीली कन्फ्यूज्ड विथ अ डिस्क्रिप्टिव एसे. अभी उसमें बहुत सारे प्लॉट्स दिए रहेंगे, बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस दिए रहेंगे,
तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है डिस्क्रिप्टिव एसे एंड नरेटिव एसे में. नरेटिव एसे में भी ऑलमोस्ट डिस्क्रिप्शन होगी, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में भी बहुत इंफॉर्मेशन होगी. सो वी डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड बिटवीन नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव. जनरली एनी फॉर्म ऑफ नरेटिव टेक्स्ट इज रिटर्न इन द फर्स्ट पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू. अभी जनरली कोई भी नरेटिव टेक्स्ट होता है ना, वो फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है. हाउएवर द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कैन ऑल्सो बी यूज्ड. अभी इसमें क्या बोला है कि फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा जाता है जनरली जो नरेटिव टेक्स्ट होता है, लेकिन हम फिर भी थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं. इट्स ओके इफ यू आर राइटिंग द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इन द नरेटिव एसे. सो दिस इज ऑल अबाउट नरेटिव एसे. नाउ लेट अस लर्न अबाउट एक्सपोजिटरी एसे. An expository essay is a text which explains a topic in a logical manner. अभी expository essay क्या है? एक text है जो हमको logical manner में एक topic को explain करता है. The writer's emotions are not included in this form of essay. अभी इस form, ये जो form है essay का, उसमें writer के emotions हम लोग include नहीं करेंगे. Given below are a few things to keep in mind while writing an expository essay. Expository essay लिखते वक्त हमको ये points जो मैं बताने वाली हूँ उनको mind में रखना है. Okay? First one, brainstorm the topic, collect information and organize them in a logical manner. एक topic को इतनी हद तक हमको उखेड़ना है, उसके अंदर की एक एक इन्फॉर्मेशन निकालनी है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस निकालने हैं. कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करना है, सेकेंडली उसको ऑर्गेनाइज करना है लॉजिकल मैनर में, उसको एक लॉजिकल मैनर में उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है. बिफोर यू बिगिन राइटिंग द एसे फॉर्म्यूलेट अ स्टेटमेंट विच एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया ऑफ योर एसे. अभी ऐसे लिखने से पहले हमको एक स्टेटमेंट फॉर्म्यूलेट करना है जो एक्सप्रेस करेगा कि मेन आइडिया क्या है हमारे ऐसे लिखने का. ऐसे का मेन आइडिया उसमें पता चल जाना चाहिए जो हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं. डू नॉट प्रेजेंट योर ओन आर्ग्यूमेंट्स, इंक्लूड फैक्ट्स एंड बी एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल. अभी उसमें हमको हमारे आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं करने हैं, हमारे आर्ग्यूमेंट्स को मेंशन नहीं करना है उसमें. बस हमको फैक्ट्स जो होते हैं उसको इंक्लूड करना है, और जितना ऑब्जेक्टिव हो सके उतना ऑब्जेक्टिव बिहेव करना है. ओके, द राइटिंग शुड बी क्लियर एंड कॉन्साइज. अभी जो राइटिंग हम जो लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए और ऑन टू द पॉइंट होना चाहिए. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एसे राइटिंग.